अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद और आप सभी को नया साल मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी नया साल मुबारक हो। लेकिन सर साल शुरू होते ही एक सर क्या हो रहा है सर, ईरान और पाकिस्तान को जैसे आप देख रहे हैं, पहले ईरान ने अटैक किया और आज सुबह को पाकिस्तान की तरफ से भी अटैक किया गया है, जिसमें कह रहे हैं कि 7 लोगों की जानें गई हैं। और ईरान की तरफ से जो अटैक हुआ है उसका सर जिस तरह का रिस्पांस आया है पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि उनका कहना है कि सिर्फ 2 बच्चे जो हैं कोई उनकी जानें गई हैं और ईरान ने जो टारगेट किया था वहां वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। क्या देख रहे हैं सर, ये क्या चल रहा है? दुनिया एक अलग नए सिरे पर चल पड़ी है। स्पेशली अगर आप देखें इंक्रीज इन वायलेंस, जब से यूक्रेन वॉर हुआ है बढ़कर आगे बढ़ गई बात। अब आप देख रहे हैं इसराइल का भी काफी दिनों से चल रहा है और इसराइल के दौरान आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मिडल ईस्ट में एक नई सिचुएशन पैदा होती चली जा रही है। कहाँ वो नीचे से हूती भी बीच में आ गए, हिजबुल्ला बीच में आ गया, ईरान बीच में आ गया कि ईरान ने सारा सामान जो टेररिस्ट को दिया हुआ है वो इस्तेमाल हो रहा है। बट ओवरऑल एक सिचुएशन इस तरह से बन रही है। जो मेरा सोच है इंटरनेशनल लेवल पर यूएस अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है कि हर जगह जहां लड़ाई हो रही है वो उसका अंपायर है। आई एम कॉलिंग हिम अंपायर। साथ ही साथ ईरान जैसी कंट्री अपने आप को एक नए सिरे से लीडर बताना चाहती है एज फार एज मिडल ईस्ट इज कंसर्न, ओआईसी इज कंसर्न। उसके कॉम्पिटिटर हैं वो एक अलग बात है, लेकिन चाहता वो यही है। अब इस दौरान अगर आप देखें एक इवैल्यूएशन करें, मुझे लगता है कि यूएस कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इन लड़ाइयों को होने में। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंस्टिगेट करना, क्रिएट सिचुएशन क्रिएट करना, जैसे कि ताइवान और चाइना में एक सिचुएशन नई क्रिएट हुई है, हो रखी है ऑलरेडी। तो ओवरऑल ये बन रहा है कि यस एज फार एज ईरान इज कंसर्न उसका नाम जरूर खराब करना चाहिए एज फार एज यूएस इज कंसर्न कि वो एक टेररिज्म सपोर्टिंग स्टेट है, टेररिज्म क्रिएटिंग सपोर्ट है। और दूसरी तरफ जो कंट्री सफर कर रही है, अगर इसराइल सफर कर रहा है तो यूएस वांट्स टू से कि नहीं हम इसके एम्पायर हैं, ये इनके साथ और हम इनको कंट्रोल कर पाएंगे। वहां वो बोल रहा है यूक्रेन के इसमें भी कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, हम इसे सपोर्ट कर पाएंगे, हम इसके ह्यूमैनिटेरियन रक्षक हैं। अब जब जहां तक बात आ रही है ईरान और पाकिस्तान की, ऐसा हमारा हमेशा से इवैल्यूएशन था कि कॉमन पॉइंट जिसके ऊपर पाकिस्तान एक तरीके से अपने आप को सो कॉल्ड सुपीरियोरिटी बताता था वो था उसका ईरान के साथ एक डिप्लोमेटिक एक स्ट्रेटेजिक संबंध रिगार्डिंग बलूचिस्तान, इस साइड भी और उस साइड भी। और उसके ऊपर अभी तक काम होता रहा और ये दोनों कंट्रीज को सूट करना था। सूट करना कब बंद हुआ? ईरान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। बाय द वे ये बड़े दुख की बात है, मैं आपके साथ किसी और शो में भी बोल चुका हूं कि इससे ज्यादा और बदनामी शायद पाकिस्तान की कहीं और नहीं होगी कि अब आपका जो सो क्लेम्ड था, 2 जगह मैं बात कर रहा हूं, ईरान भी आपका क्लेम्ड था कि चलो जी बड़े अच्छे रिलेशन है, ये है वो है और हम मुस्लिम चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। बट आपके तो चाइना ने भी कोई आपके सपोर्ट में कोई खास अच्छी बात नहीं करी, ईरान के अगेंस्ट भी कोई अच्छी बात नहीं करी। आज आप जैसे डेमोक्रेटिक मीडिया रिप्रेजेंटेटिव अपनी डेमोक्रेसी को जरूर जगाएं कि हमें अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करना चाहिए कि हम सिर्फ बोलेंगे नहीं कि यस हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, टेररिज्म के खिलाफ हम कुछ स्टेप्स उठाएंगे। ये जो जैश अब्दुल है ये आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टैब्लिश कब से हुई है पावरफुल? 2012 से। और तब से आप देख रहे हैं कि ईरान और आपके रिलेशन एक नोज डाइव नीचे चले जा रहे हैं। I think that is where the whole matter is as far as strategic level is concerned. सर पाकिस्तान ने जो आज एयर स्ट्राइक की है, जो पाकिस्तान ने आज जवाब दिया है, तो उस पर भी हम बात करना चाहेंगे आपसे। और पाकिस्तान का कहना है कि जी हमने कोई ईरानियन सिटीजन नहीं हिट किया है, जो उनको किया BLA के हैं और इस किस्म के लोग जो बलूचिस्तान पार्टीज जो आपको मालूम है कि वहां से ऑपरेट करती है, उनका नाम लिया जा रहा है, तो क्या ठीक बात की है पाकिस्तान ने, क्या ऐसा करना चाहिए था? मुझे लगता है कि पाकिस्तान दोनों तरफ से लूज कर जाएगा, डिप्लोमेटिकली भी इंटरनेशनली भी। आपका ये कहना अपने आप में कि आपके जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो वर्ड का ओनली सिर्फ 2 बच्चे मारे गए हैं 3 घायल हुए, कुछ ऐसा न्यूज चला है आपके यहाँ से, जी जी, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय सिर्फ, व्हाट डू यू मीन बाय ओनली? एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं एज अ प्राउड ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूं, लॉस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी ओनली। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि जब तक 100 नहीं मरेंगे तब तक कोई एक्शन नहीं होना चाहिए था? और मुझे लगता है सबसे पहला एक्शन होना चाहिए था कि पाकिस्तान को ईरान के एम्बेसडर को तलब करना चाहिए था। ईरान में पाकिस्तान एम्बेसडर जो प्रेजेंट है उन्हें इमीडिएटली उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री को अप्रोच करना चाहिए था कि भाई साहब पहले तो आप ये बताइए हुआ क्या। और अगर किसी भी वजह से जैसा क्लेम किया है ईरान ने कि हमने तो वो टेररिस्ट मारे हैं, उनका साइट, उनकी जो जगह है उसको मारा है, जो कि पाकिस्तान के लिए भी थ्रेट है एज फार एज दे आर कंसर्न। बट मगर हाँ नहीं, मगर सर पाकिस्तान का कहना यह है कि जी उन्होंने ऐसा किया तो हमने जवाब में कार्रवाई की, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि ईरान ने एक प्लान करके पाकिस्तान पर अटैक किया और वो जिसको अटैक करना चाह रहा था, जिस वो जो ग्रुप था, जो टेरर ग्रुप है, उसको अटैक नहीं किया और 2 बच्चे जो हैं उनकी जानें चली गई। मतलब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे इतना नाड़ीपन से अटैक करती है क्या कि उन लोगों को हिट ही ना कर सके? और पाकिस्तान ने जब अटैक किया तो इनका क्लेम है कि हमने 7 लोगों को मार दिया और वो सबके सब टेररिस्ट थे। देखिए, इस तरह का इंफॉर्मेशन प्रोपोगंडा और अदरवाइज प्रोपोगंडा करना ये हर एक कंट्री का हक होता है, मैं मान लेता हूं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट टू से कि पाकिस्तान इसमें बहुत एक्सपर्ट है। मैं ये प्राउडली असेस कर पाया हूं कि पाकिस्तान हर वो चीज को डिनायल मोड में लेकर और एक नया एजेंडा चलाता है। मुझे बता दीजिए, ऐसा आपके न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, ऑफिशियल उसमें भी आ चुका है रिलीज में, अगर ये सब जैसा पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, न्यूज के ऊपर बैन क्यों लगाया गया? भाई फ्रीडम रहने देनी थी, क्योंकि आपने कोई गलत तो बोला ही नहीं है। आपने एक ये फ्रीडम के ऊपर, प्रेस की फ्रीडम के ऊपर कर्ब क्यों लगाया ऑन दिस न्यूज? ऐसा नहीं है कि बाकी सारी जगह नहीं है। ये तो देखिए 2-4-6 आपके यहाँ के जो डेयरिंग मीडिया पीपल हैं, एंड मेरे लिए बड़ी दुख की बात है कि उसमें आप भी एक हैं, वो अब थ्रेटन होंगे, उनको कुछ तकलीफें आएंगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं कि अनफॉर्चुनेट, बट ओवरऑल ऑफिशियली एक रोक तो लगाई गई है। दैट मींस कुछ तो छुपाया जा रहा है, अदरवाइज क्या बड़ी बात है। यहाँ में सर एक चीज ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि कुछ मीडिया के लोग हैं जो बात कर लेते हैं कि आज एक शो था, किसी और चैनल पे था, उसमें एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर आ रहे थे पाकिस्तान से। उन्होंने जब मेरा नाम सुना तो उन्होंने कहा मैंने इनके साथ नहीं बैठना, नहीं बैठो मेरे साथ, क्योंकि वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो इनसिक्योर हैं। मेरे को, मैं चैलेंज करता हूं आज आरजू काजमी जी, करके देखिए मेरे से कौन सा सवाल जो मेरे कंट्री के लिए एम्बैरेसिंग हो सकता है और मैं उसको अवॉइड कर जाऊं। क्यों अवॉइड करूंगा? अगर हमारी कोई इंटेंशन, कोई एक्शन किसी भी तरह से पाकिस्तान को इंसल्ट करने की है, किसी भी तरह पाकिस्तान की रेपुटेशन को डाउन करने की है, आपके फ्लैग को इंसल्ट करने की है, आपके रिलीजन को इंसल्ट करने की है, मैं आपसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते। हम आपके फ्लैग को इंसल्ट नहीं करते, आपकी डेमोक्रेसी को हम इंसल्ट नहीं करते। हम आपके यहाँ जो भी कुछ हो रहा है उसको सिर्फ आपसे डिस्कस करते कि ये पाकिस्तान के बेनिफिट में बिल्कुल नहीं है कि आप एक तरफ ईरान, जो आपका सो कॉल्ड कहने के लिए मुस्लिम कंट्री था, है, उससे भी अब आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है हमारे यहाँ के पटाखे बज रहे होंगे इस बात के लिए? दिस इज अ मोर बिग वरी कि आप इनसिक्योर होते चले जा रहे हैं और आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से आपके यहाँ टेररिज्म और ज्यादा जोर से जड़ें पकड़ता चला जा रहा है। ये बात ईरान ने भी कही है, दुनिया भर में ये बात चल रही है कि 2012 के बाद से जैश अल बद्र, जो बदल, DL वाला बदल, वो आपके यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता चला जा रहा है। मुझे बताइए हमारा आपसे क्या करीब है, क्योंकि आपने बोला है कि ऐसा वैसा, मुझे बताइए हमारा क्या करीब है। हम आपको सिर्फ यही तो बोल रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम आपके यहाँ है, आप बोलते हैं हमारे पास है ही नहीं वगैरह वगैरह। हम आपको बोलते हैं कि मसूद आपके यहाँ है, आप बोलते नहीं जी वो तो हमारा अपना बाशिंदा है, ये है वो है, आप उसके खिलाफ एक्शन। इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल रही है आपको करने के लिए कि भाई वो टेररिस्ट है। हाफिज क्या कर रहा है? बोले जी वो तो इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर के लड़ रहा है। पूरी दुनिया पागल है जो उसको टेररिस्ट बोल रही है। और मैं कहता हूं इन 2 3 4 जो सो कॉल्ड नामी लोग हैं, इन्होंने आपके देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है? आर दे द टैक्स पेयर? क्या आपके यहाँ डोनेशंस देते हैं? क्या कभी आपकी इकोनॉमिक अपहीवल में जो डाउन गई उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? किसी तरह दारू पीकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी तरह की एड ला रहे हैं? वो तो आपके ही पैसे को बर्बाद कर रहे हैं इन टेररिज्म। इसलिए ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। आप जैसे 2 3 4 लोग बोल कितना भी लो, बट आप जैसे लोगों को अगर डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेसी दैट इज आवाम अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास कोई भी और चारा है जो एक रे ऑफ लाइट है, जो एक किरण सूरज की आपके यहाँ एक तरीके का मैं कह सकता हूं जो एक होप रखती है कि नहीं डेमोक्रेसी मरेगी नहीं। वो यही है कि आप जैसे 2 4 लोग बात कर रहे हैं। अगर उसका कोई आदमी सामना नहीं कर रहा तो आपके यहाँ ज्यादातर प्रॉब्लम यह है कि आंख बंद कर लो कि मैं कबूतर हूं, मैंने आंख बंद कर ली, बिल्ली मुझे पंजा नहीं मारेगी। आप अवॉइड कर रहे हैं। आवाम इस बात को टॉलरेट करे जा रही है कि यस पाकिस्तान आर्मी हमारे ऊपर जो हुकूमत कर रही है कर रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी स्मार्ट है, वो आपको ब्लैकमेल करती है इमोशनली कि नहीं हम आपके सब कुछ है, आपको अपनी फौज पर प्राइड होना चाहिए। क्या बोलने की जरूरत पड़ती है कि फौज पर प्राइड होना चाहिए? जिस तरीके का नाम वो ला रही है पूरी कंट्री के लिए, क्या वो अच्छी बात है? वाई शुड यू बी कॉल्ड अ टेररिस्तान? Why should you be called Atankistan? Why should you be called that you are the creator of terrorism? Of any act and every act, there is a Pakistan name behind it. Why? क्यों मेरे को लगता है, मैंने आपके साथ भी एक बार ये सवाल पूछा, मुझे दुख है, मैं बहुत इंसल्टेड फील करूंगा कि अगर मैं किसी कंट्री में जाऊं और वहां मुझे टेररिस्ट की निगाह से देखकर बोला जाए आप साइड में हो जाइए, आपकी चेकिंग होगी। ये मैंने नहीं बोला है, आपके यहाँ के काफी सारे लोगों ने बोला है, ओपनली बोला है कि हमें बड़ी शर्म आती है कि हम देखते हैं कि कोई एक इंडियन चला जा रहा है और उसको कोई नहीं रोक रहा और हमें रोक के साइड में कर दिया जा रहा है। जैसे ही वर्ड आता है पाकिस्तान कि आई एम कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये जो इस वक्त ईरान और पाकिस्तान में जो टेंशन बनी हुई है, इसको आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपको लगता है कि रुकेगी? और इस रीजन में उसका क्या असर पड़ेगा? एक चीज और सर, पाकिस्तान में कई सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो उसमें भारत का नाम भी ले रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर जे शंकर की भी उन्हीं दिनों मुलाकात हुई थी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से, और कहीं ना कहीं या प्रेजिडेंट, और कहीं ना कहीं इंडिया का इसमें हाथ है कि जो कुछ हुआ ईरान की तरफ से। चलिए बढ़िया बात। मैं इंडिया ने और जयशंकर ने ये कोशिश करी कि ईरान को हम बोलकर आपके यहां स्ट्राइक करा रहे, ऐसी ही बात हो रही है ना? आई होप आई एम राइट जी? हाँ ओके। ईरान इतना बेवकूफ है कि वो सिर्फ कहने से कर देगा। ईरान तो आपका भी अच्छा खासा दोस्त है। हमारे यहाँ तो आपने देखा हुआ है मीडिया में, फॉर इसराइल वॉर, हम तो ईरान के ऊपर पता नहीं क्या क्या बोल जा रहे हैं। लोगों का काफी कुछ बोलना है, और ऐसा तो है नहीं कि उनके डिप्लोमेट्स यहाँ पर चुपचाप बैठे कान बंद करके आंख बंद करके, वो भी सुनते होंगे, उन्हें भी पता चलता होगा कि इंडिया में ओवरऑल ईरान के लिए कोई बहुत बड़ी अच्छी लहर तो है नहीं, फेवरेबल लहर जिसको बोलते हैं हम तो। सो ये तो आपको और मोटिवेट करना चाहिए आरजू जी कि पाकिस्तान की सुन कौन नहीं रहा है और क्यों नहीं सुन रहा। अगर मेरे कहने से ईरान आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो मान लीजिए मेरी बात, मैं 100% कन्विक्शन से बोल रहा हूं कि वो हमें इज्जत देता है, वो हमारे महत्व को समझता है, वो हमारी लीडरशिप को समझता है, उसके कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे साथ है, उसके कोई हमारे डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं जिनको वो बढ़ाना चाहता, तभी तो सुन रहा है। भाई आप एक बात बताइए, कोई कंट्री अगर आज इंडिया को बोले कि पाकिस्तान पर अटैक कर दो, हम क्यों करेंगे या क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो हमें बोल रहा है हमें मालूम है इट इज इररिलेवेंट। हमें तो अगर यूएस भी बोलेगा हम नहीं करेंगे, ये हमारी मर्जी है। हमारे आपके रिलेशन कितने खराब चल रहे हैं, आप बता दीजिए हमने कितने बार अटैक किया। इसका मतलब आज आप वापस, जब आप इंडिया को ब्लेम करते हैं तो आप वापस इंडिया को क्रेडिट दे रहे हो, जो कि आपकी भूल होनी चाहिए थी अदरवाइज। वाई आर यू गिविंग दिस क्रेडिट कि हमारे कहने से ईरान ने आपके ऊपर अटैक कर दिया। मैडम सर, क्योंकि अभी सर एक स्ट्रांग कंट्री के तौर पे देख रहे हैं ना इस वक्त हम इंडिया को, कि इंडिया की बात सुन रहा है। तो फिर क्रेडिट आप मुझे दे रहे हो ना, मैं तो ये कह रहा हूं। और इंडिया आपसे परेशान है टेररिज्म की वजह से। हमने वो चाबी टेररिज्म वाली लेकर ईरान के अंदर लगाई, थोड़ा सा स्टार्ट किया और उसने एक आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जगह अटैक कर दिया। मैं तो आज आपको बड़ी गलत तरीके से समझा रहा हूं। आई थिंक इंडिया नीड्स टू लर्न कि अगर पाकिस्तान ये ठीक कह रहा है कि हमारे कहने से हुआ है, दैट मीन्स अब हमें भी यही करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को ये लैंग्वेज बड़ी तेजी से समझ आ रही है। व्हेन आई से पाकिस्तान, इट इज नॉट द अवाम, it is the people who are ruling, and you know it is only Pakistan ruling in Pakistan, there is nothing else। Pakistan army के अलावा कोई और रूल नहीं कर रहा आपके यहाँ, और ये आपकी सबसे बड़ी चुनौती है, चैलेंज है, आपके डाउनफॉल का रीजन है। क्योंकि आपके यहाँ अगर इंडिया के कहने से अटैक होने शुरू हो रहे हैं, ये आपके बात को मैं सच्चा मान के चल रहा हूँ और मैं अपनी पीठ थपथपा रहा हूँ। हालांकि हमने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि हमारे कैरेक्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आंख बंद कर इस बात को फेस नहीं करूंगा। बड़े प्राउडली कहूंगा कि यू आर नाउ गिविंग अस द क्रेडिट कि हमारे कहने से पाकिस्तान में अटैक होते हैं, हमारे कहने से पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, हमारे कहने से सब कुछ होता है। लेकिन मैं ये बोलूंगा, आप आंसू बहाएं ना बहाएं, मैं पर्सनली आंसू बहाने को तैयार हूं कि मेरे दुनिया के दो बच्चे, वो सच्चे दो बच्चे आपके यहाँ मारे गए, किसी भी वजह से मारे गए। ये गलत हुआ, ये बिल्कुल गलत हुआ। और आज आप पाकिस्तान रेसिप्रोकेट कर रहा है, देयर इज नथिंग प्राइड इन इट बाय द वे। क्या प्राइड है इसमें? लेकिन सर बात भी वही आ जाती है कि ईरान अगर अटैक करता है किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या जहां पर ये लोग हैं, तो वो इतना गलत निशाना कैसे लगा रहा है कि उनमें से जो टेररिस्ट हैं वो, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ और दो बच्चे जो थे उनकी जाने चली गई। मतलब कोई कंट्री इतना गलत प्लान कैसे कर सकती है? नहीं देखिए, आप जब कहते हैं, क्योंकि मैं एज अ गनर ऑफिसर आपको बता पा रहा हूं, बेस्ट ऑफ योर मिसाइल कैन आल्सो गेट ऑफ द टारगेट। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और ये आपको फिर से मानना पड़ेगा। मैं अपनी स्टेट ऑफ आर्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिसाइल एक थर्ड क्लास टेररिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। I'll use something which is at a lower rank। मैं अपनी टॉप ऑफ द निश टेक्नोलॉजी की मिसाइल को इस्तेमाल नहीं करूंगा। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, देर के अगर मैं आपके पाकिस्तान के पॉइंट को वाजिब समझकर बोल रहा हूं कि यस, अगर आपके वो टारगेट वो नहीं था, किसी और जगह गिरी है, देर कैन ऑलवेज बी अ एरर, देर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये पाकिस्तान को ईरान ने अगर बोल दिया कि हमने तो आपके यहां स्ट्राइक इस जगह पर करी, तो एक बात बड़ी क्लियर है कि सिविल कैजुअलिटी के लिए नहीं करी है, इनोसेंट कैजुअलिटी के लिए नहीं करी है। मैं तो कहता हूं ईरान शुड बी बिग इनफ। अगर ईरान मेरी सुन रहा है, इतनी अच्छी बात, आई थिंक वी कैन ऑलवेज अपील टू ईरान, वी रिग्रेट द डेथ ऑफ टू अनफॉर्चुनेट चाइल्ड, वी रिग्रेट, वी डीपली रिग्रेट, आई एम प्रिपेयर्ड टू कंपनसेट। हम कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं कि वो जो तीन बच्चे बेचारे इंजर्ड हो गए, उनका खर्चा हम देने के लिए तैयार हैं, उनका हर्जाना हम देने के लिए तैयार। दैट इज ह्यूमैनिटी। अगर एरर होता है कि बाय मिस्टेक अगर ऐसा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है कि मिस्टेक ना हो, अच्छी से अच्छी। आपको याद होना चाहिए इंडिया की भी एक मिसाइल मिसगाइड होकर आपके यहाँ चली गई थी, याद आ गया? जी बिल्कुल। आपकी भी हो गई थी बाय द वे, आपकी वाली आपकी ही कंट्री में गिरी, हमारी वाली आपके यहाँ गिरी। आपने बोला नहीं जी ये तो अटैक था, फेल हो गया। लेकिन बड़प्पन देखिए, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में वो जो ऑफिसर इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। दैट इज कॉल्ड एज मिस्टेक। मैंने तब भी यही कहा था कि नहीं, इंक्वायरी हो लेने दीजिए। अगर हमने जानबूझकर फायर करी है तो हमने उसके आगे वॉरहेड क्यों नहीं लगाया, ये भी तो बताइए भाई। अगर और क्या वॉरहेड लगेगा? सिमिलरली आई एम सेइंग, अगर आपको लगता है आपके पाकिस्तान की ये बचाने की अपने आप को तरीका है कि वो बच्चों के ऊपर टारगेट करी गई थी, यू थिंक एवरीबडी इज पाकिस्तान? ये पाकिस्तान आर्मी इनह्यूमैनिटी कर सकती है, ये पाकिस्तान के अंदर का टेररिस्ट इनह्यूमैनिटी कर सकता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पाकिस्तान के ऊपर जाकर उसने 158 बच्चों को मार दिया, स्कूल में फायर कर दिया, नर्सरी सेक्शन के बच्चों को फायर कर दिया। आप सोच सकते हो इस तरह की बात? इनह्यूमैनिटी की बात अगर हम कर रहे हैं, क्यों आप बात को बढ़ा रहे हो? आप मैं कहता हूं आपने विड्रॉ कर लिए, एक तरफ आप बोलते हो हम बात करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो करोगे कैसे इन्वेस्टिगेट भाई? आपके पास अगर कोई एम्बेसडर, कोई बाशिंदा आपका ऑफिशियली ईरान में नहीं है, अब आप क्या पूछोगे ईरान से? फोन करोगे, फोन पर बात करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे ना? उनका आपके यहाँ है, अब आप क्या कर लोगे? यस, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जरूर होना चाहिए, लेकिन देयर हैज टू बी सम सेंसिबिलिटी इन इट। बिल्कुल ऐसे ही सर, बात तो इनको करनी पड़ेगी और इस चीज को रोकना पड़ेगा कि मजीद नुकसान ना हो दोनों कंट्रीज का, बल्कि दोनों कंट्रीज का क्या पूरे रीजन का ही नुकसान होता है इस तरह की बातों में। अब आपने ये जो रीजन बोल दिया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसी इंसिडेंट से रीजन में इंडिया को लेसन लेना है, और अगर आपकी बात सच्ची है कि सभी कंट्रीज हमारी सुन रहे हैं, तो भाई हम तो बोलेंगे अफगानिस्तान तू भी कर दे कुछ थोड़ा बहुत हमारे लिए, हम तेरे को बदले में $100 मिलियन दे देंगे। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग, आपके लोग कह रहे हैं भाई, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ सर। हमारे आज का कुछ कह रहे हैं और कुछ तो सर वो तो आपको पता है, हर चीज में कुछ लेना देना ना हो तभी भारत का नाम लिया जाता है कि उसी ने करवा दिया या कुछ। बहुत कम हो गया। टाइमिंग्स कह लीजिए सर, टाइमिंग्स कह लीजिए कि उस वक्त टाइमिंग्स ऐसी थी कि डॉक्टर जे शंकर अभी गए थे और उसी दौरान ये हुआ है, तो हो सकता है इस वजह से किसी ने कहा। मैं तो पीठ थपथपा रहा हूँ अपनी, आई एम कांग्रेचुलेटिंग माई सेल्फ कि पाकिस्तान मुझे इतनी इज्जत दे रहा है कि हमारे वर्ड बोलने से कल यूएस भी आपके ऊपर अटैक कर देगा। मैं तो कहता हूं हमारी इकोनॉमी को राइज देखते हुए हम चाइना के साथ कंप्रोमाइज सेट कर लेते कि चलो जी आप भी एक तरफ से बम उधर गिरा दो। ऐसा होता है क्या? बेवकूफ बना रहा है कोई हमारा, आपका और पब्लिक का। बिल्कुल ऐसा है। यस, हमने जरूर बोला होगा, जयशंकर इज वन पर्सन, उसने जरूर बोला होगा ईरान को कि टेररिज्म शुड नॉट बी टॉलरेटेड, उन्होंने कर दिया बस। लेकिन सर बहरहाल ये चीज रुकनी चाहिए और पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो टेररिस्ट उन्होंने सपोर्ट किए हैं जिनको, उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन किया जाए ताकि दुनिया देखे कि हमने एक्शन किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू।